Hi everyone, how are you guys? Welcome to Tarot Predictions by Gautam Verma. Today is 14th of November and today is the day of Diwali. So very very happy Diwali to everyone. Let's go ahead for the tarot card reading of today. Aaj ki tarot card reading ki shuruaat karte hain. So koi bhi ek card ko aap choose kar le. So card number 1 ki aaj ka din jo hai aapka planning aur plotting mein bhi jayega plus aaj ke din aap apni healing perform karenge. Agar aap physically kisi cheez se परेशान थे, कोई आपको प्रॉब्लम थी बॉडी में माइंड में, सो आज के दिन उसका निवारण हो सकता है. कोई रिलेशनशिप सफ़र कर रही थी तो आज के दिन कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है. सो टुडे इज़ अ ग्रेट डे ओवरऑल, बट आज के दिन आप इसको बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं अगर आप आज के दिन कोई पूजा अर्चना या मेडिटेशन करें. सो आज के दिन बहुत ही बढ़िया टाइम है दैट यू टेक असिस्टेंस ऑफ डिवाइन, क्योंकि डिवाइन की निगाह में आज आप हैं. सो अगर आप आज के दिन आह्वान करते हैं किसी हायर फोर्स का तो उनकी आपको मदद जरूर मिलेगी. सो कार्ड नंबर 2 हम देख लेते हैं, हैंग्ड मैन. सो हैंग्ड मैन में मतलब ये होता है कि आप के सारे प्रोजेक्ट्स, आपकी जो भी गतिविधियां हैं वो काफ़ी देर से रुक चुकी हैं, लाइफ में मोमेंटम नहीं है, राइट. और आज के दिन भी आप ऐसा ही फील करेंगे कि स्ट्रक फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपको आत्मग्लानि जैसे कहते हैं वैसी आपको फीलिंग आ सकती है. सो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग योर सेल्फ आप क्या कर सकते हैं, आज के दिन एफर्मेशंस कर सकते हैं. आज के दिन बैठें, आइज़ क्लोज करें एंड डू द एफर्मेशंस, एंड विद एफर्मेशंस यू कैन चेंज द एनर्जी. बाकी अदर पीपल वॉन्ट अंडरस्टैंड यू बिकॉज यहाँ पे आप अकेले दिख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अकेलापन भी आपको सता रहा है. लेट्स गो अहेड फॉर द थर्ड कार्ड. सो थर्ड कार्ड वालों के लिए क्या आज बनता है. ओके, सो द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज देयर. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल वुमन. सो इनकी जो एनर्जी बहुत ही बढ़िया है, बट उनकी डिसाइसिवनेस बहुत अच्छी है. शी इज़ इम्पार्शियल, शी लाइक्स टू लिसन टू अदर पीपल. वो दूसरों को पूरा सुनती हैं. सो ये एक हिसाब से बहुत ही मैच्योर करेक्टर है टैरो में. और सभी क्वींस वैसे ये इंटेलेक्चुअल क्वीन है. सेकेंडली शी इज़ वेरी यू कैन से जजमेंटल. सो यहाँ पे आज के दिन आपका यही मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आज के दिन आप दूसरों से कम्युनिकेशन तो करेंगे but you will be talking less and they will be speaking more. So this could happen today and definitely this is a great card for communication. Communication ko leke ye badhiya card mana jata hai. And overall it's going to be a fabulous day for Queen of Swords jinka ye card aaya hai. So you can also move in new direction. Aap nayi disha ki aur bhi ja sakte hain. And definitely sky is also clear as given by the pictorial depiction. Agar aap नए रास्ते की ओर जाना चाहते हैं देन ऑल्सो यू कैन बी सक्सेसफुल. दिस इज़ व्हाट द टैरो कार्ड्स आर टेलिंग यू. सो टुडे यू विल बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, बट यू विल बी ऑन द रिसीविंग एंड रादर देन ऑन द गिविंग एंड. तो आप ज़्यादा सुनेंगे उनको, उनको ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ व्हाट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स डू. और आप जल्दी इमोशनल होके गिव अप नहीं करते. You are very stable. So this character is actually very, very stable. So that's all regarding the tarot card reading for today. Thank you so much for watching this video. I hope you would have liked this video. A very, 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 very happy Diwali to everyone. Thank you.